जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अमेरिका क्लास है उदयपुर। बच्चों, सी लैंग्वेज चल रही थी और सी लैंग्वेज के अंदर एक चैप्टर या फिर एक वीडियो मैंने आपको पूरा समझा दिया था कि सी लैंग्वेज होती क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किसने डेवलप की थी, कहां डेवलप की थी, सी लैंग्वेज में होता क्या क्या है। और मैंने कहा था कि सी लैंग्वेज में टोकन्स होते हैं। टोकन क्या होते हैं जिनसे सी लैंग्वेज मिलकर बनती है, उनको क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। हाँ जी बच्चों, तो बहुत सारे टोकन है, बहुत सारे आइडेंटिफायर्स है, इनके बारे में अपन काफी चर्चा करेंगे, लेकिन फर्स्ट आइडेंटिफायर से मैं ले रहा हूं, फर्स्ट टोकन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास। और वो क्या है, डेटा टाइप्स, फिर ऑपरेटर्स लेंगे अपन, बहुत सारी चीजें लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं डेटा टाइप आपको पूरा समझाता हूं और उनके बेसिक बेसिक रूल आपको समझा रहा हूं। हाँ जी बच्चों, आज का टॉपिक क्या है, सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज के अंदर क्या है बच्चों, डेटा टाइप, चैप्टर नंबर टू, वीडियो नंबर टू। फर्स्ट वीडियो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ सी, कंपाइलर क्या होता है, सोर्स फाइल क्या होती है, ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, मशीनी कोड क्या होते हैं, क्यों आई सी, किसने बनाई सी, कब बनाई सी, ये सारी चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझा दी थी। वो नहीं लगता कि सी की हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई दिक्कत आएगी। अधिकतर क्वेश्चन यह आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकतर कौन सी लैंग्वेज में बनते हैं, तो सी लैंग्वेज के अंदर बनते हैं। जितने भी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग होती है अधिकतर कौन सी लैंग्वेज में होती है, सी लैंग्वेज में होती है। क्लियर बच्चों, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, सी कैसी लैंग्वेज है, सी टॉप टू डाउन लैंग्वेज है, सी कैसी लैंग्वेज है, सी प्रोसीजर लैंग्वेज है। प्रोसीजर क्यों, क्योंकि इसमें फंक्शन होते हैं, फंक्शन कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते, सब पढ़ाया जाएगा आपको। प्रोसीजर जिसके अंदर फंक्शन हो, प्रोसीजर लैंग्वेज है। सी टॉप टू डाउन लैंग्वेज है, सी मिडिल लेवल लैंग्वेज है, सी अगर मिडिल लेवल ऑप्शन में नहीं है तो हाई लेवल लैंग्वेज है। फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, लगभग सब कुछ समझा दिया था मैंने फर्स्ट वीडियो में। आज चलिए बच्चों डेटा टाइप, और मैंने एक वादा किया था आपको, किसी से भी भिड़ जाना लैंग्वेज के मामले में, आप लैंग्वेज में कोई आपको पीछे नहीं हटा सकता बच्चों, उस तरीके की लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर बच्चों, बस आपका सपोर्ट इतना सा चाहिए कि आप स्टार्टिंग फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे स्टार्ट करना। रेंडमली फोर्थ वीडियो, फिफ्थ वीडियो ये मत देख लेना, स्टार्टिंग से चलना, मेरी गारंटी है दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आपको आएगा, उस लेवल की सी मैं करवा दूंगा। चलो बच्चों, पहले तो अटेंडेंस दे दीजिए, कौन कौन बच्चे क्लास में हैं, थोड़ा आइडिया लग जाए मेरे को, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, जय हिंद सभी को, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलिए करते हैं स्टार्ट बच्चों, जो आज का अपना टॉपिक है उसका नाम है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सी में डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं। हाँ जी बच्चों, सी के अंदर डेटा टाइप होते हैं चार तरीके के, ऐसे मोस्टली दो ही तरीके के माने जाते हैं, एक तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स या प्राइमरी डेटा टाइप या प्रिंसिपल डेटा टाइप्स या ड्राइव डेटा टाइप्स, दो ही तरीके के माने जाते हैं। लेकिन बच्चों ये होते वाकई चार तरीके के, और कौन कौन से होते हैं तो समझना। एक होते हैं आपके प्राइमरी डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप। एक होता है बच्चों ड्राइव डेटा टाइप, ड्राइव डेटा टाइप। और एक होता है बच्चों इन्यूमरेटर, इन्यूमरेशन। और एक होता है बच्चों वॉइड डेटा टाइप। इन सब के बारे में काफी चर्चा करेंगे अपन आज, केवल डेटा टाइप आज मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, एक दिन का तो नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन आज मैं इसके पूरे फंक्शन समझा दूंगा आपको। बच्चों प्राइमरी डेटा टाइप में क्या क्या आते हैं, पहला है करेक्टर, करेक्टर को सी एच ए आर, ये इसका कीवर्ड है करेक्टर का। करेक्टर एक इंग्लिश वर्ड है, इसके चार अक्षर को लेकर इसका कीवर्ड बनाया गया, उसका नाम है करेक्टर। एक होता है इंटीजर, एक होता है बच्चों इंटीजर, एक होता है फ्लोट, और एक होता है डबल।
ये चार तरीके के डेटा टाइप आपके प्राइमरी डेटा टाइप में आते हैं। क्लियर। केवल आज अपन करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल की बात करेंगे। बच्चों ड्राइव डेटा टाइप के अंदर क्या क्या आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं आपके एरे, एरे आते हैं, स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है, स्ट्रिंग आती है और पॉइंटर्स आते हैं। बच्चों क्लियर, ये सब इसके अंदर आते हैं। इन्यूमरेटर, इन्यूमरेशन, डेटा टाइप के अंदर एनम, इन्यूमरेटर, बस इसके ये कीवर्ड का ध्यान रखना और वर्ड के अंदर इस वर्ड का कीवर्ड ध्यान रखना, यहां पर यही आता है। ये सब पढ़ाया जाएगा, वर्ड कैसे काम करता है, इन्यूमरेशन कैसे काम करता है, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, स्ट्रिंग, पॉइंटर्स, ये कैसे काम करते हैं। ये ड्राइव डेटा टाइप में आता है, ये एन्यूमरेशन डेटा टाइप में आता है एनम। याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसको इधर ले लेते हैं। करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये कौन से में आते हैं? प्राइमरी डेटा टाइप्स में आते हैं। बच्चों अपन आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि प्राइमरी डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं और वेरिएबल में कैसे काम करते हैं और कॉन्स्टेंट में कैसे काम करते हैं। बच्चों करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये प्राइमरी डेटा टाइप है। ड्राइव डेटा टाइप में एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, स्ट्रिंग, पॉइंटर्स ये आते हैं। इन्यूमरेशन में एनम आता है, वॉइड में वॉइड आता है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, आज का जो अपना पार्ट है वो है करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इनके ऊपर अपन को बात करनी है। करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल समझना बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट है। अगर मैं प्राइमरी डेटा टाइप उठाता हूं, यहां पर प्राइमरी डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप ये क्या होते हैं तो सुनना। सबसे पहले डेटा टाइप क्या बताता है? डेटा टाइप ये बताता है कि आपको मेमोरी में कितने बाइट होल्ड करनी है, मेमोरी में कितना बाइट होल्ड करना है, ये उसका डेटा टाइप बताता है। बच्चों जब मैं ऐसे लिखता हूं ए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं इस वेरिएबल के आगे ये लगा देता हूं इंटीजर ए, इसका मतलब है कि ए एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। ये वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है? किसी मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। ये वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का टाइप इंटीजर है। इसका मतलब ये हो गया कि एक मेमोरी में एक स्पेस बना है और ये स्पेस, इस ये स्पेस कितने बिट का है? ये स्पेस 16 बिट का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये बिट है, ये 16 बिट का है, 16 बिट का है और इनको कंबाइंड नाम, इनका कंबाइंड नाम ए है। याद रखना, वो ए, ए क्या बता रहा है? ए जो है वो इसका नाम बता रहा है, समझ में आ जाना चाहिए। ये दो बाइट है, एक बाइट ये है और एक बाइट ये है। बच्चों ये लोअर बाइट कहलाती है, ये अपर बाइट कहलाती है। कॉमन सी बात है, ए एक वेरिएबल का नाम है या एक मेमोरी लोकेशन का नाम है और इस मेमोरी लोकेशन की जो साइज है वो इसका डेटा टाइप बताता है। इंटीजर आपका क्या है बच्चों? डेटा टाइप। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डेटा टाइप क्या करता है। डेटा टाइप साइज बताता है कि मेमोरी के अंदर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल ने कितनी बाइट ऑक्यूपाई की है। बच्चों इंटीजर 2 बाइट का होता है, करेक्टर 1 बाइट का होता है, फ्लोट 4 बाइट का होता है और डबल 8 बाइट का होता है। एक बार कंसेप्ट को समझना, मैंने क्या बोला? ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। अगर केवल इतना लिख दूं इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। लेकिन अगर इंटीजर ए लिख दूं, इसका मतलब बच्चों, इंटीजर ए का मतलब ये हो गया एक वेरिएबल क्रिएट होगा जो इंटीजर टाइप का होगा। बच्चों याद रखना, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। ये डेटा टाइप, ये वेरिएबल क्रिएट करना यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, किसी मेमोरी लोकेशन का नाम है, ये इंटीजर इसका डेटा टाइप है कि ए की साइज क्या है वो इंटीजर बता रहा है और ये इंटीजर ए लिखना ये डिक्लेरेशन है। बच्चों ये क्लियर है? फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर अपन आते हैं और समझना बच्चों, मैंने लिखा इंटीजर ए बच्चों और एक लिखा मैंने इंटीजर ए 5। बच्चों इन दोनों में क्या अंतर है? बच्चों ये वेरिएबल है, सुनिए, ए क्या है? इसका वेरिएबल है, बिल्कुल जीरो लेवल से ले रहा हूं। और इंटीजर क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है, डेटा टाइप है। और बच्चों इंटीजर ए क्या है? तो ये डिक्लेरेशन है। इंटीजर ए क्या है? ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है।
अगर बच्चों ये डेटा टाइप, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है डेटा टाइप, ये क्या है डिक्लेरेशन, और इसमें अगर वैल्यू भी डाल दे तो इसको डेफिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिनेशन। बच्चों मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशंस ऑफ वेरिएबल, डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। बच्चों वापस सुन लीजिए, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या अंतर है? अगर मैं ये लिखता हूं इंटीजर ए, ये डिक्लेरेशन है, और इंटीजर ए इक्वलेंट 5, तो बच्चों ये डेफिनेशन। अपन ने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, ये क्या बनेगा? ये एक वेरिएबल बनेगा, मान लो 2000 लोकेशन पे बनेगा, और उसके अंदर क्या जाएगा? 5। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 2000 लोकेशन पे एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम ए है और वो खाली रहेगा। इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, ये डेफिनेशन है, क्योंकि ए में कितना है ये डिफाइन करता है। ये क्या है? केवल डिक्लेरेशन है कि ए खाली है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो डेटा टाइप है वो प्राइमरी डेटा टाइप कितने तरीके का होता है? तो वो 4 तरीके का होता है। सबसे पहले अपन उठा रहे हैं करेक्टर। डेटा टाइप क्या होता है, अब तक मैंने समझा दिया। क्या ये क्लियर है कि डेटा टाइप क्या होता है? जो किसी वेरिएबल की साइज को रिप्रेजेंट करता है वो उस वेरिएबल का डेटा टाइप है। एक वेरिएबल 1 byte का है, मतलब ए नाम पड़ा लेकिन वो 1 byte की साइज का है, तो इसका मतलब करेक्टर है। 2 byte की साइज का है, इसका मतलब वो इंटीजर है। 4 byte की साइज का है, इसका मतलब फ्लोट है। और 8 byte की साइज का है, तो इसका मतलब वो डबल है। अब तक आज का टॉपिक क्या है? डेटा टाइप। पहले मैंने क्लियर किया डेटा टाइप होता क्या है, जो किसी वेरिएबल की साइज को रिप्रेजेंट करे वो क्या है उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन आज अपना जो मेन टॉपिक है वो इतना सा है कि प्राइमरी डेटा टाइप को पूरा समझा दीजिए। सबसे पहले अपन करेक्टर उठाते हैं। करेक्टर, करेक्टर पूरा तो ये है करेक्टर, लेकिन इसके 4 वर्ड शुरू के लेके जो केयर बना ये कीवर्ड है। और ये डेटा टाइप है, ये कौन सा डेटा टाइप है? करेक्टर डेटा टाइप है। और बच्चों इस डेटा टाइप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केयर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसका। बच्चों ये क्लियर है? अब एक बार बताइए, डिजिटल में इनकी साइज निकालना बताया था, उतने डीप में अपन जाएंगे नहीं, लेकिन याद रखना अगर मैंने लिखा केयर ए और यहां पर कितना 5, इसका मतलब है ए बनेगा 2001 लोकेशन पे बना, ये एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है। और ए के अंदर कितना आ गया बच्चों? 5। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। इस लाइन का मतलब ये है, ये एक डेफिनेशन है। ए की वैल्यू क्या है? 5। एड्रेस क्या है? 2001। ए की वैल्यू 5 है। और ए की साइज क्या है? तो ए की साइज बच्चों याद रखना 1 byte है। जो इस वेरिएबल की साइज है वो 1 byte है, 1 byte है। सब कुछ क्लियर कर लेना, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, अलर्ट रहना। 5 से 10 मिनट के बाद आपको पूरा समझ आने लग जाएगा। तो बच्चों जब करेक्टर 1 byte का है, करेक्टर 1 byte का है, तो याद रखना ये 0 से 127 प्लस में और नेगेटिव में -128 जाता है। ये सब कुछ मैंने बता रखा है। कहां बताया था? दिमाग में लाइए। ये मैंने बताया था जब वंस कॉम्प्लीमेंट, टूथ कॉम्प्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था डिजिटल के अंदर। बस तुम इतना याद रखो, करेक्टर मैक्सिमम कितना जाएगा? 127। कैसे जाता है वो भी देख लो। बच्चों आप सबको पता है ये साइन बिट होती है। कौन सी बिट होती है? साइन। ये साइन बिट होती है। और बच्चा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें हाईएस्ट में क्या भर सकता हूं? तो इनमें हाईएस्ट में सबके अंदर 1 भर सकता हूं, 1 1 1 1 1 1 1। और बच्चों या 0 भर देता हूं तो हाईएस्ट 127 से ज्यादा नहीं जा सकता। और आपको पता है कि लोएस्ट भरा है तो यहां पर 0, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 127 होगा। लेकिन आपको मैंने बता रखा है कि 0 माइनस का और प्लस का एक ही होता है, तो जो -0 होता है वो इधर शामिल हो जाता है, तो इसकी रेंज -128 से प्लस का 127 तक जाती है। कहां पढ़ाया था ये? डिजिटल में। अभी तुमको याद रखना है, सी की क्लास चल रही है, सी के सारे कंसेप्ट यूज करेंगे। करेक्टर की रेंज क्या हो सकती है याद रखना, करेक्टर की रेंज -128 से लगा के +127 हो सकती है। दुनिया में करेक्टर कितने हैं? तो 256 करेक्टर है बच्चों, क्लियर। अगर वो अनसाइंड बोल दे, करेक्टर नहीं बोले, और वो अनसाइंड करेक्टर बोल दे, एक कीवर्ड लगा दे अनसाइंड, अनसाइंड करेक्टर, तो याद रखना 0 से स्टार्ट होके 255 तक जाती है। और टोटल बताइए, टोटल करेक्टर कितने होते हैं? 256। बस इस वर्ड को याद रखना, टोटल करेक्टर कितने होते हैं? 256।
करेक्टर की साइज कितनी होती है, 1 byte। करेक्टर दो तरीके के होते हैं, एक साइंड करेक्टर एक अनसाइंड करेक्टर। अनसाइंड में सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है और साइंड में सबसे छोटी वैल्यू -128 होती है। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये काम कैसे करते हैं तो समझना, एक जब मैं करेक्टर बनाता हूं, करेक्टर करेक्टर ए, और इसके अंदर 5 डालता हूं, बिल्कुल सही है, ए के अंदर कितना जाता है बच्चों, 5। क्यों? क्योंकि ए करेक्टर टाइप है और करेक्टर में 5 जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि ये 0 है और ये 127 है और ये -128 है। जब तक मैं आगे कुछ नहीं लगाऊं, ये साइंड होते हैं, साइंड होते हैं, अनसाइंड नहीं होते, ये इसकी रेंज में है बच्चों, 127 से 128 क्या इसकी रेंज में है? क्या? बिल्कुल। इसके बाहर वाली वैल्यू इसमें नहीं डाल सकते और इसके इधर वाली वैल्यू इसमें नहीं डाल सकते। क्या आपने जो 5 डाला वो सही है क्या? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, करेक्टर टोटल होते कितने हैं तो ये आपके दिमाग में रखना, 256 करेक्टर होते हैं। बच्चों ये कैसे रिप्रेजेंट होता है तो मैं इसका एक छोटा सा डेटा आपको बता रहा हूं। ये -128 होता है, ये माइनस का 127 होता है, ये माइनस का 126 होता है, और ऐसे चलते चलते ऐसे चलते चलते यहां पर क्या आ जाता है बच्चों, 0 आ जाता है। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, और ऐसे चलते चलते यहां पर 127 प्लस का होता है। बच्चों ये पूरा एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, दिमाग में लाइए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 127, देखो ये आपस में जुड़ा रहता है किनारा। बच्चों एक चीज बताइए, अगर मैं ऐसे बना दूं करेक्टर ए और इसमें डाल दूं 129, तो बच्चों ए के अंदर कभी 129 जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसको होल्ड करने के लिए 9 bit की जरूरत है, 9 bit की जरूरत है, ये जा ही नहीं सकता 129, क्योंकि सबको पता है हाईएस्ट इतना ही जा सकता है। आपने करेक्टर डिफाइन किया है, करेक्टर में मैक्सिमम कितना जा सकता है, इतना ही जा सकता है। क्या कर रहे हो, 129 क्यों डाल रहे हो, 129 प्लस का जा ही नहीं सकता। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर मान लीजिए आप करेक्टर के अंदर ये डालो तो जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। और गुरुजी ये डालते हो करेक्टर ए -128, ये जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, लेकिन याद रखना इससे बाहर नहीं जाएगा और इसके इधर नहीं जाएगा। आपने 129 डाला, आपने 129 डाला, क्या जा सकता है क्या? नहीं बच्चों, ये सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है, समझना। ये 0 है, ये 127 है, और यहां पर -128 है, करेक्टर टाइप है। जैसे ही 126 है, ये 127 एक बढ़ाते ही यहां आ जाता है, मतलब जो 127 है, काउंट करो यहां पर 127, एक बढ़ाया, इस तरीके से बढ़ाते जाइए 127, एक बढ़ाते ही -128, एक और बढ़ाते ही -127। बच्चों एक चीज आप क्लियर कर लो, ये यहां से यहां तक जाएगा और इसको 256 भी कहते हैं, तो 0 होता है उसको 256 कहते हैं, क्योंकि पूरा राउंड होता है 256 करेक्टर का, 0 भी शामिल है, 0 से 255 बोलते हैं ना, तो 255 तो एजिटीज है और एक 0 है, टोटल करेक्टर 256 है। 0 बोलो चाहे 256 बोलो, करेक्टर में एक ही बात है, करेक्टर में 0 बोलिए चाहे 256 बोलिए, एक ही बात है। 257 कहां आएगा? 257 यहां आएगा, क्योंकि पूरा सर्किल लग गया 257 258, समझ में आ गया होगा। अब सुनिए बच्चों, 129 डालेंगे तो 127, 128 या -127 है, 27, 28, 29 बच्चों -127 जाएगा, ये जा ही नहीं सकता, सर्किल होके ये जाएगा, माइनस का 127 जाएगा। बच्चों जब मैं प्रिंट करता हूं ना, प्रिंट एफ परसेंट डी, और क्या प्रिंट करना चाह रहा हूं, ए, तो बच्चों आपको पता है क्या प्रिंट होगा, जो ए के अंदर है तो ए के अंदर तो ये है, तो यही प्रिंट होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये डी क्या होता है, सी क्या होता है, एफ क्या होता है, एल एफ क्या होता है, ये सब बताया जाएगा, लेकिन अभी तुम इतना समझो कि करेक्टर में जाता क्या है और क्या नहीं जा सकता है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका कोई तरीका क्या है क्या सर? बिल्कुल है, आपको पता है 129 इधर की रेंज में होगा, नेगेटिव होगा, तो 256 में से घटा देना 129, बस कुछ मत करना, बस 256 में से घटा देना, क्योंकि करेक्टर 256 होते हैं, उसमें से ये घटा देना, सबको पता है पॉजिटिव रेंज में नहीं है, नेगेटिव में है। बच्चों इसमें से इसको माइनस करो, ये कितना हो गया 721, लेकिन बच्चों ये प्लस का जरूर दिख रहा है, लेकिन ये इधर पहुंच गया, इसलिए किसका है माइनस। क्या वाकई यही है क्या? बिल्कुल यही है, कुछ मत करो, जितने करेक्टर होते हैं उतने में से घटा दो।
क्लियर हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए बच्चों अभी तक ये लाइन क्लियर है क्या? आज का जो टॉपिक है वो डेटा टाइप है, डेटा टाइप होते क्या है? अभी मैं आपको केवल वेरिएबल समझा रहा हूं, करेक्टर ए लिखा, करेक्टर ए उसका क्या मतलब होता है, क्या जा सकता है और क्या नहीं जा सकता। करेक्टर अगर वेरिएबल के साथ लगा हुआ है इसका मतलब वो वन बाई टी होल्ड करेगा, उसमें जो जा सकता है उसी को प्रिंट कराओगे आप। मान लो एक बहुत बड़ा आदमी आया लेकिन वो जा ही नहीं सकता, वो रूप बदल के जाता है, अब उसमें क्या पढ़ा है प्रिंट कराओ, तो उसमें वही पढ़ा है जो डाला है, तो वो प्रिंट हो जाएगा 127। बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए अभी तक, अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए। चले बच्चों अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार बताइए इसी क्वेश्चन को मैं आगे ले रहा हूं, समझना। मैंने लिखा करेक्टर, यहां पर लिखा मैंने करेक्टर ए और यहां पर 156, किसका लिख दिया माइनस। अब सबको पता है कि आप बताइए जीरो ये होता है 127, ये होता है माइनस का 128। आप बताइए माइनस का 156 तो इधर होगा, जा ही नहीं सकता, आपको कुछ नहीं करना 256। बच्चों एक चीज क्लियर कर लो, 256 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो यही मिलता है। आप एक बार बताइए जब ऐसे राउंड करके आते हो तो माइनस का 156 कहां है? तो माइनस का 156 देखिए इधर नहीं है, तो बच्चों अभी इधर तो जाएगा नहीं, ऐसे राउंड करके आता है। बच्चों याद रखना वो कहीं ना कहीं प्लस की वैल्यू है, क्योंकि आप इधर जाइए इधर जाइए इधर खत्म, अब इधर जाइए देखो बच्चों जीरो बोलो 256 बोलो चाहे माइनस 256 बोलो एक ही जगह है, इसका मतलब 256 पे पहुंच ही नहीं पा रहा 256 पे, इधर से जाके इधर नहीं पहुंच पा रहा है, 156 ही है, इसका मतलब यही है वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हाँ जी बच्चों एक बार बताइए 256 में से 156 माइनस कर दो, करना इसी में से बच्चों कितना आएगा 100, लेकिन ये कौन सा 100 आएगा प्लस का, अब खेल सन में आ गया होगा, पॉजिटिव था तो ऐसे चला था और नेगेटिव था तो ऐसे चला था, जीरो बोलो 256 बोलो माइनस 256 बोलो एक ही जगह। बच्चों ये क्लियर है? अगर मान लो कोई ये कह दे कि सर करेक्टर ए और इसके अंदर डाला मैंने 156 किसका माइनस का, बिल्कुल डाल सकते हो, डालने को कुछ भी डाल सकते हो, सर्किल बन के वो कन्वर्ट हो जाता है, परसेंट डी और ए, डी का मतलब इंटीजर नहीं होता, ये कह रहा है इसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराओ। प्रिंट करने के भी चार तरीके हैं, परसेंट सी, परसेंट डी, परसेंट एफ और परसेंट एल एफ। वो कह रहा है इसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराओ। एक बार बताइए इसकी इंटीजर वैल्यू मैं प्रिंट करा देता हूं, सुनना बच्चों, प्रिंट है परसेंट डी ए, तो बच्चों एक बार बताइए माइनस का 156 ऐसे जाओगे तो बच्चों 256 होता तो यहां पहुंच जाता, लेकिन 256 है ही नहीं माइनस का, तो इसका मतलब प्लस का 100, प्लस का 100 आंसर आएगा। क्या ये क्लियर है क्या? बताइए प्लस तो वहां दिखेगा नहीं, बस 100 आपको दिखेगा, सन में आ गया होगा, प्लस का 100 आंसर आएगा। एक बार कमेंट कर दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी बच्चों बताइए क्या ये क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है? ठीक है। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, देखो बच्चों करेक्टर करेक्टर ए और यहां पर 300 कर दिया मैंने, अब बताइए अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूं प्रिंट परसेंट डी और ए, मतलब इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराओ जो इसके अंदर है, तो ए में क्या गया पहले तो ये बताइए, क्या 300 जा सकता है? यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर जीरो, यहां पर 127 और यहां पर माइनस का 128 और यहां पर 256 है। बच्चों जीरो बोलो 256 बोलो माइनस का 256 बोलो एक ही बात है। एक बार बताइए ए में 300 डाला, 300 बच्चों एक राउंड पूरा हो गया, इधर से जाएंगे ऐसे जाएंगे एक राउंड पूरा हो गया। अब बच्चों सबको पता है एक राउंड पूरा होके ही 300 में से 256 हटा दो, इसका मतलब 44 बचा और किसका बचा? प्लस का। क्यों? क्योंकि आप एक राउंड पूरा करके यहां पर हो, तो बच्चों ये प्लस का 44 है, प्लस का 44 आ गया होगा सामने। खेल क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, क्या वैल्यू जाएगी क्या वैल्यू नहीं जाएगी, वेरिएबल बोल रहे हो वैल्यू फिक्स है वही जाएगी, उसको फिर चाहे तुम कैसे भी प्रिंट करा दो। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा, मैं वापस क्लियर कर देता हूं, ये क्लियर कर लीजिए। होता क्या, 300 यहां से यहां तक घूम के आया, 300 जीरो
बच्चा 256 जीरो हो गया, बच्चा 44 कहीं ना कहीं यहां ही घूम रहा है, इसलिए प्लस का 44। कमेंट नहीं आया बच्चों, क्या ये क्लियर है क्या? क्लियर है सबके? चलिए अब मैं कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा करेक्टर ए और यहां पर 321 लिख दिया और मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूं, प्रिंट एफ परसेंट डी और क्या बच्चों ए, और एक में प्रिंट करवा रहा हूं प्रिंट एफ परसेंट सी और ए, इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों? सबसे पहले तो करेक्टर ए है, जो भी जाता है रेंज में जाता है, जबरदस्ती कुछ ही मत भेज देना बच्चों, ये 256 होता है। क्या इससे ज्यादा जा सकता है? नहीं जा सकता, ये पूरा एक राउंड कर देगा क्योंकि 256 होते एक राउंड हो जाता है, 321 में से 256 हटा दीजिए बच्चों, ये कितना हो गया 5 और ये कितना 6, 65, 65 किसका गया? प्लस का गया, ए के अंदर 65 गया। इस लाइन का मतलब ये है बच्चों, इस लाइन का मतलब ये है। अब वो क्या कह रहा है, आप इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराओ तो ये कितना हो गया 65 और ये कह रहा है करेक्टर वैल्यू प्रिंट कराओ, तो सबको पता है 65 की करेक्टर वैल्यू क्या होती है, ये होती है। मैंने आपको करेक्टर बताए थे, करेक्टर किसको कहते हैं? करेक्टर कहते हैं कीबोर्ड की कीज को। आप बताइए जब ए प्रेस करते हो 65 होता है, 65 क्या है? इंटीजर है, तो 65 इंटीजर आएगा, लेकिन ए को प्रिंट कराना है 65 को, लेकिन कैसे फॉर्मेट में प्रिंट कराना है, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं कि कैसी वैल्यू प्रिंट करानी है, जो 65 है वो इंटीजर में ही प्रिंट कराना है, इंटीजर मतलब रुपए वाली चीज में प्रिंट कराना है तो ऐसे, और करेक्टर प्रिंट कराना है मतलब कीबोर्ड की प्रिंट करानी है तो ऐसे प्रिंट होगा। बच्चों मैंने ASCII कोड बताया था आपको डिजिटल में, सबसे पहले मैं डिजिटल क्यों पढ़ाता हूं क्योंकि उसके बहुत सारे कंसेप्ट प्रोग्रामिंग में काम आते हैं बच्चों, समझ जाना। ASCII वैल्यू याद रखिए, आप सबको पता है क्या कैपिटल ए टू इस कैपिटल जेड तक कितना होता है 65, तो कितना 90, और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड तक क्या होता है बच्चों 97 से 122, और कीबोर्ड की कीज है बच्चों 02029 बच्चों, ये इंटीजर नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कीबोर्ड की की है, कीबोर्ड की की है, या फिर ये बोलो ये बता रहा है करेक्टर है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इंटीजर है, ये 0 रुपया है, ये 0 रुपया नहीं है, ये 48 रुपया है, ये 48 रुपया है। बच्चों समझने की कोशिश करो, बच्चों समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूं, ये ए है, ये अरविंद वाला ए है, लेकिन ये कीबोर्ड की वाला ए है, इसकी ASCII वैल्यू कितनी है बच्चों 65 है और ये ए है, समझ में आ गया होगा। ये इंग्लिश का अल्फाबेट ए है बच्चों, जब अपन की प्रेस करते हैं तो ये ए जाता है, ये 65 में कन्वर्ट होता है, फिर ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है, समझने की कोशिश करो। जब अगर वो आपको कहे कि ए को प्रिंट कराओ, ए को प्रिंट कराओ किस में? इंटीजर में, तो 65 प्रिंट कराना, और अगर ए को प्रिंट कराओ करेक्टर में तो ए ही प्रिंट कराना। एक बार वापस समझाता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने लिखा करेक्टर ए इक्विवेलेंट ए, कोई दिक्कत नहीं है, समझो ए नाम का एक वेरिएबल बना, उसके अंदर करेक्टर ए गया। अब ए तो जाता नहीं है, सबको पता है इसकी ASCII वैल्यू क्या होती है 65, ये जाता है बच्चों। करेक्टर की रेंज क्या होती है सबको पता है, 0 से 127 प्लस, और ये माइनस का 128 होती है। और समझ जाना, जितने भी करेक्टर होते हैं वो इसी रेंज के होते हैं बच्चों। अगर मैं ये डालता हूं तो इसका मतलब ये जा रहा है, अरे ये नहीं जा रहा, गौर से देखो 65 जा रहा है, 65 भी डेसिमल है, गौर से देखो। सबको पता है ए एक करेक्टर है और ऐसे 8 ब्लॉक बने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर 0, यहां पर 1 0 0 0 0 0 1, ये जाता है बच्चों। क्लियर है? मतलब समझ में आ गया होगा, ये डाल रहे हो ये जाता है, ये बाइनरी में कन्वर्ट होके ये जाता है,
वापस आ जाइए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बच्चों अगर आपको प्रिंट कराना है किसको, ए को, तो प्रिंट वेरिएबल को कराया जाता है, और मैं इसको दो तरीके से प्रिंट करवा सकता हूं, ऐसे भी करवा सकता हूं और वेरिएबल स्पेसिफायर सी यूज करके भी करवा सकता हूं। जब मैं ऐसे प्रिंट कराता हूं, ऐसे प्रिंट कराता हूं तो प्रिंट होगा 65, और जब ऐसे प्रिंट कराता हूं सी के साथ तो प्रिंट होगा ये। अब तो मेरे हिसाब से क्लियर हो ही जाना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। करेक्टर में करेक्टर जा सकता है, ये कीबोर्ड की है, ये नहीं जाता, 65 जाता है, 65 नहीं जाता, बाइनरी जाता है। जब आप डी प्रिंट कराओगे तो 65 प्रिंट होगा, जब सी प्रिंट कराओगे तो करेक्टर में कन्वर्ट होके प्रिंट होगा। हाँ जी, क्या चल रहा है? डेटा टाइप्स याद रखना, जैसा वेरिएबल स्पेसिफायर है वैसा का वैसा प्रिंट होगा। बच्चों कमेंट नहीं आया, कमेंट नहीं आया, बता दीजिए क्या ये क्लियर है? क्या मैंने जो वर्ड बोल रहा हूं वो क्लियर है क्या? कनुप्रिया क्लियर है, कविता क्लियर है, जितेंद्र शर्मा स्पीड ज्यादा लग रही है। ठीक है, कम करते हैं, पढ़ाया कुछ नहीं है, तीन वर्ड बोले लेकिन आपका दिमाग सेट कर रहा हूं। करेक्टर वेरिएबल है, एक बाइट होल्ड होगी, रेंज ये होगी, इतनी रेंज में होगा तो जाएगा, नहीं है तो कन्वर्ट होके जाएगा, नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा, 256 से ज्यादा है तो घूम के वापस यही आ जाएगा, फिर वो जाएगा। प्रिंट के भी दो तरीके, परसेंट डी और परसेंट सी, कैसे प्रिंट कराते हो वो आपके ऊपर टिका होगा। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत लेंगे बच्चों, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, आप पेंसिल मत लो, पहले आप कंसेप्ट को क्लियर करो। अब आ जाइए इंटीजर की रेंज के ऊपर। अब दस दिन से नेट बंद था सर, पढ़ लेना आगे होगी, वो तो लाइव क्लासेज आ जाती है ना। बच्चों आपके बैच में आप सबको पता है 100 से भी ऊपर बच्चे हैं, लेकिन लाइव तो कितने का आते हैं सब पता है आपको, 9-10 के आसपास ही लाइव आता है, 15 आ जाता है, 20 आ जाता है, बाकी सब एमएनसीज में काम कर रहे हैं, बाद में पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लिया करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ के आया करो, बस इतना सा है। पहले पढ़ के फिर आया करो, पहले सी का फर्स्ट वीडियो फिर सेकेंड, क्योंकि तुम सबको पता है मैं पढ़ाता लिंकिंग से हूं, केवल अच्छा पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता, लिंकिंग से पढ़ाता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज करेक्टर पहले क्यों लिया? क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को पता है, मैं लूप भी ले सकता था, अच्छा अच्छी चीजें पढ़ा देता, इफ एल्स पढ़ा देता, स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ा देता, एरे पढ़ा देता, इजी इजी चीज में पहले पढ़ा देता, लेकिन पहले मैंने डेटा टाइप क्यों लिया? क्योंकि मेरे को पता है बच्चे का कंसेप्ट यहीं से बनेगा। बच्चे को यही पता नहीं कि डी क्यों लगाते और सी क्यों लगाते हैं, बच्चे को यह पता नहीं जाता क्या है, कितना जाता है, मन में आए वो डाल देता है और फिर कहता है आउटपुट पता नहीं गार्बेज आ गया। अरे गार्बेज नाम का कोई आउटपुट ही नहीं है, आपको पता नहीं उसका आउटपुट क्या आएगा, अब तो पता चल गया ना क्या आएगा, ध्यान रखिए। हाँ जी बच्चों नेक्स्ट चलिए। बच्चों अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, मैं तो रिपीट कर दूंगा अगर आपको लग रहा है। शिवानी आ जाएगी, 5 साल से छोड़िए, मैं क्या कह रहा हूं, 10 दिन बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लेना। अब तक का क्लियर है शिवानी? ऐसे देखो मेरी बातें करने की आदत बिल्कुल नहीं है, आपको ये भी पता है। ठीक है ठीक है, तो मैं अपने काम से काम रखता हूं, आ जाइए नेक्स्ट। हाँ कोई डाउट हो तो बस दो चीज लिखो, क्लियर है सर रिपीट कर दो, सर क्लियर है सर रिपीट कर दो सर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन बात करते हैं किसकी, इंटीजर, इंटीजर की रेंज क्या है। तो जब मैं ऐसे लिखता हूं इंटीजर, ये धीरे धीरे आएगा बच्चों, डेटा टाइप कोई एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है, टाइम लगेगा समझना। इंटीजर ए, इंटीजर ए 5, इसका मतलब ये है ए वेरिएबल बना, इस वेरिएबल का नाम ये है, कोई ना कोई लोकेशन बनी 2001, उसके ऊपर ये बना। बच्चों याद रखना ये 2 बाइट होल्ड करता है 2001 और 2002, लेकिन जो फर्स्ट एड्रेस होता है वो इसको दिया जाता है। बच्चों ओरिजिनल में ये ऐसे बनता है, जो ए होता है ये 2 बाइट होती है, ये कौन सी बाइट होती है, ये 2001, ये 2002,
बहुत सारे ऐसे भी लिखते हैं और बहुत सारे ऐसे भी लिखते हैं, तुम उस पर कंफ्यूज मत होना, वो सब मैं बता दूंगा आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पूरे को मिला के यही नाम है, अरे मत बोल देना कि सर दो ब्लॉक है, नहीं, ये पूरे का पूरा का नाम क्या है, इंटीजर, इंटीजर ए, यानी दो बाइट होल्ड करता है, 16 बिट होल्ड करता है, 16 बिट। बच्चों कैसे बनता है उस पर मत जाओ, बस इतना ध्यान रखो ये 0 होता है, यहाँ 32767 होता है, यहाँ पर 32768 होता है, किसका माइनस, और टोटल इंटीजर 65536 होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ गया टोटल करेक्टर कितने होते हैं, 256। टोटल करेक्टर 256 होते हैं और टोटल इंटीजर 65536 होते हैं। पॉजिटिव वैसे का वैसे भर के देख लेना, 16 ब्लॉक है, पहला साइन के लिए छोड़ देना, साइन अगर 0 भरते हो तो पॉजिटिव आएगा, सम में 1 भरते हो 32767 आएगा, ये किसका बच्चों, प्लस का। और बच्चों अगर पहले में 1 भरते हो, पहले में 1 भरते हो तो नेगेटिव आएगा, और याद रखना सम में 1 भरते हो 32767 नेगेटिव आएगा, लेकिन एक 0 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव, नेगेटिव एक ही बात है, 0 नेगेटिव को इधर शामिल कर दिया जाता है, लास्ट 32768। ये रेंज है इंटीजर की, इसके अंदर अंदर कुछ भी डालो डायरेक्ट चला जाएगा, इसके बाहर कुछ भी डालोगे कन्वर्ट होके जाएगा। हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ भी डालो डायरेक्ट चला जाएगा, इस रेंज के बाहर कुछ भी डालो कन्वर्ट होके जाएगा, 0 बोलो 65536 बोलो एक ही बात। बच्चों एक चीज बताइए, अगर मैं ये लिखता हूं इंटीजर ए 65536, और बच्चों मैं ये लिखता हूं प्रिंट एफ परसेंट डी और ए, क्या प्रिंट होगा, परसेंट डी और ए क्या प्रिंट होगा, तो सबको पता है ये ए है, इसमें 65536 जा ही नहीं सकता क्योंकि साइंड है, साइंड है, तो इसकी रेंज देखो 0 से, डालने से पहले रेंज देख लो, तुम क्या करते हो कुछ भी डाल देते हो वो नहीं चलेगा, ये डालते हो उससे पहले सोचो कि रेंज है या नहीं है इसकी। बच्चों एक बार बताइए -32768, याद रखना इधर एक ज्यादा रहता है उधर से, वह 255 था इधर 256 था, और ये 65536 होता है, इन दोनों का टोटल करके देख लेना, क्लियर बच्चों, एक बढ़ा देना बच्चों, ये 65536 इंटीजर है, 65536 जा ही नहीं सकता क्योंकि उस रेंज में नहीं, इधर नहीं, और मेरे को दिख रहा है इसका मतलब 0 होता है, तो इसके अंदर बच्चों क्या जाएगा, इसके अंदर 0 जाएगा, और 0 जाएगा तो इसको प्रिंट करा दो, ये क्या हो जाएगा 0। बच्चों क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर। अगर कोई कहे सर इसकी इंटीजर वैल्यू बताओ 0, और कोई ऐसे कह दे प्रिंट है परसेंट डी, और परसेंट डी की जगह क्या कर दे परसेंट सी कर दे और कह दे ए प्रिंट कराओ, तो ए जो 0 है, 0 उसकी करेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी, और इसकी करेक्टर वैल्यू क्या होता है बच्चों, ब्लैंक स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस मतलब निल, नल, बच्चों कुछ भी नहीं, नल करेक्टर आ जाता है, नल करेक्टर सन में आ गया होगा ना, न्यू लाइन नहीं बोल रहा मैं, नल करेक्टर मतलब कुछ भी नहीं, ब्लैंक स्पेस बच्चों ये क्लियर है, ब्लैंक स्पेस इसका मतलब ये वाला बच्चों सन में आ गया होगा, नल करेक्टर बच्चों क्लियर, ये आ जाता है नल करेक्टर आ जाता है, ये चीज की बोल रहा हूं, ब्लैंक स्पेस बोल दो, नल करेक्टर बोल दो, ये बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि 0 किसके आस की वैल्यू है। हाँ अगर यह 48 होता, 48 तो बच्चों यहां पर यह आ जाता 0, 49 होता यहां पर करेक्टर यह आ जाता, अगर 65 होता यहां पर 65 तो यहां पर यह आ जाता, 66 होता यहां पर तो यह आ जाता, बच्चों यहां 0 है तो 0 नल करेक्टर की आस की वैल्यू है, नल करेक्टर की आस की वैल्यू है 0 नल करेक्टर की आस की वैल्यू। बच्चों क्लियर है, समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर कर लीजिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर कर लीजिए। समझ में आ गया बच्चों इसका आंसर क्या है, क्लियर कर लीजिए, क्लियर, नल करेक्टर, ब्लैंक स्पेस, नल करेक्टर, क्लियर। और कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, इंटीजर क्या होता है समझने की कोशिश करो। अब बच्चों मैं चलता हूं किसके ऊपर, साइंड करेक्टर क्या होता है, रेंज का ध्यान रखो बाकी कुछ भी नहीं है, ये 0 है और ये कितना है 255 है, वापस 256 यही आ जाता है, ये क्या है साइंड करेक्टर की जगह क्या हो गया बच्चों,
अनसाइंड करेक्टर, सन में आ गया होगा अनसाइंड करेक्टर। अनसाइंड के लिए अनसाइंड कीवर्ड होता है, अनसाइंड कीवर्ड होता है और उसके करेक्टर के आगे अगर कुछ नहीं लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट साइंड होता है, और अगर आपको अनसाइंड बनाना है तो अनसाइंड लगाना पड़ेगा। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट है। अगर मैं ये लिखता हूं अनसाइंड, अनसाइंड ए, अनसाइंड करेक्टर ए, अनसाइंड करेक्टर ए, करेक्टर ए, करेक्टर ए 130, तो बच्चों एक बार बताइए आपको प्रिंट कराना है, प्रिंट परसेंट डी, परसेंट डी और ए क्या होगा? तो ए में वाकई 130 जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, लेकिन अनसाइंड हटा देते तो 130 जा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो 0 से 127 तक ही होता, तो सबको पता है 256 में से उसको घटा देते, जो आता वो माइनस का आता। ये दोनों चीज में अंतर समझना बच्चों। अभी क्या प्रिंट होगा आपका कि 130 प्रिंट होगा, क्योंकि जो गया वो प्रिंट कराइए, जो गया वो प्रिंट कराइए। क्लियर हो गया होगा बच्चों, जो गया वो प्रिंट कराइए। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिख देता क्या करेक्टर ए, करेक्टर ए 130, तो इसका आंसर क्या आता समझना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये साइंड है, साइंड कीवर्ड लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, या जीरो है या 127 है या माइनस का 128 है। बच्चों 127 है ये, तो 127 सबको पता है ये 256 है, और 130 यहां होगा ये बच्चों, ये 128 है, 129, 100 में आ गया बच्चों, 128, 127, 126, इस तरीके से ऐसे करने की बजाय 256 में से 130 घटा दीजिए, कितना बचा 62, 126। लेकिन किसका बच्चा बच्चों? माइनस का बचा, ए के अंदर माइनस का 126। तो बच्चों जब मैं इसको प्रिंट कराता हूं, प्रिंट है परसेंट डी, परसेंट डी और ए, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 126 आ जाए। मेरे हिसाब से अभी तक क्लियर हो गया होगा अनसाइंड क्या होता है, साइंड क्या होता है, सब कुछ क्लियर कर लीजिए। एक लास्ट पॉइंट आज का क्या कि अनसाइंड इंटीजर क्या होता है, इनका ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं। मैं आपको कंपिटेटिव टीचर ही नहीं, तुम दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लेना, एक सिंगल क्वेश्चन तुम्हारे गलत नहीं हो सकता। डिजिटल तुम्हारे बैच को फड़ा दिया मैंने, खूब प्रैक्टिस करवाई है, 300-400 क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर करवा दिए। ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन सीख के भी लाने वाला हूं, लेकिन पहले थ्योरी समझा रहा हूं, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ जी बच्चों ये क्लियर, और अब चलिए अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, ये जीरो से यहां पर कितना होता है 65,500, कितना होता है 35, और बच्चों 65,536 यहां हो जाता है। टोटल इंटीजर पूछे इतना होता है, लास्ट इंटीजर इतना होता है, फर्स्ट इंटीजर इतना होता है, जब बात अनसाइंड की हो। तो अगर कोई ये कह दे कि सर इंटीजर ए और इसके अंदर डाला मैंने 34,000, बच्चों जा ही नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है ये साइंड है, और साइंड की रेंज कहां से कहां तक होती है, ये 0, 3, 2, 7, 6, 7 और यहां पर 3, 2, 7, 6, 8, ये माइनस और ये क्या होता है प्लस, इसके अंदर जा ही नहीं सकता। ये कन्वर्ट होगा 65,536, उसमें से 36 क्यों, क्योंकि टोटल इंटीजर इतने हैं, उतने में से ये माइनस करो, क्योंकि 34,000, देखो 65,536 होता तो ये राउंड पूरा करके आ चुका होता, लेकिन इतना ही है तो कहीं ना कहीं इधर घूम रहा है, मतलब वैल्यू माइनस की आएगी, 34,000 इसमें से कम कर दो बच्चों। 6, 3 और ये कितना 5, 1 और ये कितना बच्चों यहां पर 3, 31,536 किसका, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट एफ परसेंट डी और क्या बच्चों ए, तो ये प्रिंट होगा माइनस 31,536। लेकिन बच्चों अगर मैं अनसाइंड में प्रिंट कराऊं, देखो अनसाइंड सुनना अच्छी तरीके से, अनसाइंड, अनसाइंड इंटीजर ए और कितना 34,000, बच्चों एक बार बताइए ये जाएगा या नहीं जाएगा, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, ये वाकई जाएगा। बच्चों अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट एफ परसेंट डी और ए, तो बच्चों ये कुछ नहीं कर रहा, ये केवल इतना करता है, ये जो डी है बस वो इसकी इंटीजर वैल्यू उठा के रख देता है। बच्चों ये कितना था 34,000, बिल्कुल जाएगा ए में, 34,000 जाएगा और 34,000 प्रिंट करवा देगा। दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा, अनसाइंड में क्या और साइंड में क्या। क्लियर बच्चों, ये पूरा कंसेप्ट है,
इंटीजर और क्या समझा दिया मैंने, करेक्टर। अब चलिए फ्लोट, फ्लोट क्या होता है और डबल क्या होता है। हाँ जी पहले कमेंट कर दो यहां तक क्लियर है क्या, अनसाइंड करेंगे तो क्या होगा, साइंड करेंगे तो क्या होगा, सबके अपने अपनी रेंज होती है, करेक्टर करेंगे क्या होगा, अनसाइंड करेक्टर करेंगे क्या होगा। करेक्टर को दो तरीके से प्रिंट करा सकते हो, डी में भी और सी में भी, डी में भी और सी में भी। क्लियर बच्चों, डी में करेंगे तो इंटीजर आएगा, सी में आए करोगे तो उसका करेक्टर प्रिंट होगा। करेक्टर को दोनों तरीके से प्रिंट करवा सकते हो, करेक्टर को दोनों तरीके से प्रिंट करवा सकते हो। क्लियर, क्लियर है बच्चों, याद रखना क्या बोला मैंने। वो टाइप कास्ट मैं आपको अच्छी तरीके समझाऊंगा, कल आएगा टाइप कास्ट कि किसको किस किस में प्रिंट करवा सकते हो। अभी तुम रेंज का ध्यान रखो, रेंज का ध्यान रखो, सबकी रेंज होती है, रेंज का ध्यान रखो। हाँ जी सुरेश कुमार सैनी जी क्लियर है, मनु क्लियर है, कविता क्लियर है, ठीक है। अगर किसी को रिपीट करवाना है तो भी बता दीजिए, रिपीट कर देंगे। बाकी टेंशन मत लो, 10% भी समझ में आ गया होगा ना, एग्जाम्पल से हीरो बना दूंगा मैं आपको, 10% भी समझ में आ गया होगा, 10% भी समझ में आ गया होगा तो एग्जाम्पल दे दे के हीरो बना दूंगा। अभी तो केवल थ्योरी चल रही है बच्चों, रुक तो जाइए। हाँ जी बताइए, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए, नहीं है चले आगे। देखो एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल, फ्लोट जो होता है वो कितने बाइट का होता है, वो 4 बाइट का होता है। फ्लोट कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है। और जो डबल होता है वो कितनी बाइट का होता है, वो 8 बाइट का होता है। अच्छा इसको डबल क्यों कहते हैं, तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी पढ़ाई नहीं, एनए के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर मैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा। अभी तुम काम की चीज इतना याद रखो, इस ये सिंगल प्रिसिशन होता है, यानी इसकी शुद्धता 1 कोटि की होती है, सिंगल प्रिसिशन होता है, और वो डबल प्रिसिशन होता है, इसलिए इसका नाम डबल है और इसका नाम फ्लोट है। तुम तो इतना याद रखिए कि अगर मान लो मैं इस तरीके से लिखता हूं, फ्लोट फ्लोट ए फ्लोट ए, और यहां पर लिखा 3.5, बच्चों ए में जाएगा, ए में कितना जाएगा, 3.5 जाएगा बच्चों, लेकिन वाकई ये नहीं जाता। ये क्यों नहीं जाता, क्योंकि आपने फ्लोट डिक्लेयर कर रखा है। तो याद रखना ये सिंगल प्रिसिशन साइज को लेता है, मतलब ये जाता क्या है इसके अंदर, तो बच्चों इसके अंदर ये जाता है ए, और ये 3.5, और ये 6 डिजिट 0 0 0 0 2 2 4 और 2 4, ये इस तरीके से भरता है। अभी क्यों भरता है, इसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भरना पड़ेगा। अभी इतना समझ लो 3.5 डाला तो 3.5 नहीं जाके ये फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्ट होके फिर जाता है। बच्चों समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं, 6 काउंट कर लेना। तो जब मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट एफ परसेंट एफ परसेंट एफ और कितना ए, मतलब फ्लोट वैल्यू प्रिंट कराओ तो ये फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, और ये आपका आंसर कुछ ऐसा आता है। क्यों आता है ये, इसके लिए आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम पढ़ना होगा। बस तुम तो इतना याद रखो पॉइंट के बाद में 6 डेटा को लेता है। बच्चों क्लियर है, अगर मान लो इसकी बात करते हैं, 6 डेटा को लेता है, सिंगल प्रिसिशन होता है, 6 डेटा को लेता है, और डबल जो है ना ये 8 डेटा को लेता है, पॉइंट के बाद 8 डेटा को लेता है। कर तुम इतने डीप में मत जाओ, 2-3 चीजें याद रखो, ये 8 बाइट का होता है और ये 4 बाइट का होता है। अब चलिए मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। बस तुम याद रखना डबल का कीवर्ड डबल है, वो भी डेसिमल को बताता है, ये भी डेसिमल को बताता है, ये भी पॉइंट को बताता है, वो भी पॉइंट को बताता है। ये सिंगल प्रिसिशन होता है, वो डबल प्रिसिशन होता है, इसमें शुद्धता कम होती है, उसमें शुद्धता ज्यादा होती है। क्लियर बच्चों, और ये कैसे प्रिंट होता है, ये 6 को लेता है और वो 8 को लेता है। ये प्रिंट करने के इसके तरीके हैं, कैसे प्रिंट करता है, ये एनए में आ जाएगा और मेरे को पता है, मेरे को वहां पर आपको बताना है, बस तुम इतना याद रखना। अगर मैं मान लो, अब आइए करेक्टर करेक्टर इंटीजर क्या क्या बताया, फ्लोट फ्लोट कितने बाइट का होता है, 4, और डबल ये कितने बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का होता है।
ये प्राइमरी डेटा टाइप है, ये पॉइंट के लिए बने हैं, ये पॉइंट के लिए बने हैं, ये इंटीजर वैल्यू के लिए बने हैं, काउंटिंग नंबर के लिए बने हैं, ये दोनों के लिए बने हैं, इंटीजर और करेक्टर दोनों के लिए बने, इंटीजर करेक्टर दोनों के लिए बने हैं, इसकी रेंज फिक्स है, इसकी रेंज फिक्स है, इनकी रेंज बहुत ज्यादा है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है रेंज की। अब अपने काम की चीजों पर आइए बच्चों, सुनिए। एक होता है करेक्टर इंटीजर फ्लोट डबल वेरिएबल, एक तो होता है वेरिएबल और एक क्या होता है वेरिएबल और एक क्या होता है बच्चों कॉन्स्टेंट। बच्चों जब मैं ऐसे लिखता हूं, सुनना, जब मैं ऐसे लिखता हूं थ्री तो ये क्या है, और जब मैं थ्री ये लिखता हूं तो क्या है, और मैं 3.0 लिखता हूं तो क्या है, ये सब अलग अलग है बच्चों, ये कॉन्स्टेंट है। हाँ वेरिएबल लिखता हूं तो ऐसे लिखा जाता है ए, ये 5, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, और ये क्या है तो इसका मतलब है ये ए वेरिएबल है। बच्चों ये क्या है, ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, ये कुछ भी नहीं है। बच्चों ये ए क्या है तो ये ए वेरिएबल कहलाता है, और वेरिएबल की वैल्यू आप बदल सकते हो, वेरिएबल की वैल्यू आप बदल सकते हो, ए ए में 5 डाला थोड़ी देर बाद 6 भी डाल सकते हो, लेकिन आप बताओ ये क्या चीज है, ये कॉन्स्टेंट है बच्चों, ये सब कॉन्स्टेंट है। देखो वेरिएबल की वैल्यू कैसे बदल सकते हैं, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। इंटीजर ए 3 और फिर मैंने कहा ए 4, डिक्लेरेशन केवल एक बार ही होता है, डिक्लेरेशन केवल एक बार ही होता है, कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा ध्यान रखना, डिक्लेरेशन केवल एक बार ही होता है, ये डिक्लेरेशन है केवल एक बार ही होता है एक वेरिएबल का। तो ए में पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ए में कितना आया 3, फिर क्या होगा अगली लाइन पे गए तो ए ही लोकेशन पे वापस क्या आ गया बच्चों 4 आ गया, इसका मतलब ए अपनी वैल्यू को बदल रहा है, वेरिएबल अपनी वैल्यू को बदलते हैं। बच्चों ये क्लियर हो जाना चाहिए, वेरिएबल अपनी वैल्यू को बदलते हैं इसलिए इनको वेरिएबल कहते हैं, नाम क्यों पड़ा वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, ऐसा लिखता हूं तो मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब है, इंटीजर की रेंज में 5 जा सकता है, 5 चला गया ये वेरिएबल है, वेरिएबल अपनी वैल्यू को बदल देता है। लेकिन बच्चों गौर से देखो ये क्या है, तो ये आपका इंटीजर कहलाता है, इंटीजर कॉन्स्टेंट कहलाता है, ये क्या है तो ये करेक्टर कॉन्स्टेंट है, ऐसा कोई भी लिखा हो करेक्टर कॉन्स्टेंट है, ऐसा कोई भी लिखा हो इंटीजर कॉन्स्टेंट है, और ये क्या है तो बच्चों ये डबल है, ये फ्लोट नहीं है, ऐसा कोई भी लिखा हो डबल होता है फ्लोट नहीं होता, ये डबल कॉन्स्टेंट है, ये डबल कॉन्स्टेंट है, सुनना, इसको करेक्टर कॉन्स्टेंट कहते हैं, इसको इंटीजर कॉन्स्टेंट कहते हैं, इसको डबल कॉन्स्टेंट कहते हैं, अच्छी तरीके सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूं, इसको कहते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट, इसको कहते हैं करेक्टर कॉन्स्टेंट, इसको कहते हैं डबल कॉन्स्टेंट। क्लियर बच्चों, इतना समझने की कोशिश करो, एक दो चीजें मैं और बता रहा हूं उनको कैच करना। देखो अगर मैं ये लिखता हूं इंटीजर ए, इंटीजर ए 5 और फिर मैं लिखता हूं इंटीजर ए 6 और मैं प्रिंट करवा रहा हूं प्रिंट एफ परसेंट डी और ए बताइए, और एक में ये लिखता हूं, सुनना बच्चों अलर्ट रहना, एक में ये लिखता हूं इंटीजर ए 5 और यहां पर ए 6 और यहां पर प्रिंट एफ परसेंट डी और ए, दोनों में से क्या वैलिड है बच्चों, एक चीज क्लियर कर लो, ये चीज वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि ए बना, ये कहा ए नाम का एक वेरिएबल बनाइए और उसके अंदर 5 डालिए, ये कह रहा है एक ए नाम का एक वेरिएबल बनाइए, एक मेमोरी में 2 सेम नाम के वेरिएबल हो ही नहीं सकते, इसका मतलब ये गलत है, क्यों, क्योंकि डिक्लेरेशन केवल एक बार हो सकता है, डिक्लेरेशन एक वेरिएबल का एक बार हो सकता है, इसका मतलब ये चीज यहां पर गलत है, ये चीज सही है, ये कह रहा है ए नाम का एक वेरिएबल बनाइए, लो वेरिएबल बनता है तब ये सब चीज होती है, कोई ना कोई एड्रेस अलॉट होता है, उसमें 5 गया, अब बच्चों उसके अंदर क्या चला गया 6, बनाना नहीं है, उसी ए में 6 डालिए, ये लीजिए 6 और प्रिंट अप ए, लास्ट में ए कितना है बच्चों 6, वो आउटपुट 6 होगा और यहां पर आउटपुट एरर होगी, क्यों आएगा एरर, सामने आ गया होगा बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ एरर क्यों आया, यहाँ पर आउटपुट 6 क्यों आया, डिक्लेरेशन एक वेरिएबल का एक बार ही होता है, एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन एक बार होता है, एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन एक बार होता है, उस जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक में एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन एक बार ही होता है। हाँ जी बच्चों, क्या ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर है, क्या समझने की कोशिश करना, क्या ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर है, क्या इनको स्कोप कहते हैं, क्या कहते हैं स्कोप, स्कोप, स्कोप,
एक ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन एक बार ही होता है। कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, यहां से मैं कल स्टार्ट करूंगा, ये सब मैं कल स्टार्ट करूंगा यहां से। आज तक मैंने क्या बताया, करेक्टर, इंटीजर, प्लॉट, डबल, वेरिएबल बताए। अब चलेंगे अपन कॉन्स्टेंट और क्या क्या बन सकता है, क्या क्या नहीं बन सकता। क्लियर, कौन कौन से वेरिएबल और होते हैं, तो इनके आगे कीवर्ड लगते हैं, ऑटो लगता है, रजिस्टर लगता है, एक्सटर्न लगता है, ग्लोबल लगता है, ये सारी चीजें अपन कल बात करेंगे। क्लियर, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए वेरिएबल तक, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए आज, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसके आगे बस यहां तक, इसके आगे यहां से मैं कल स्टार्ट करूंगा। टाइम हो गया, ये सारी चीजें मेरे को बतानी है आपको, अभी टाइम हो गया। ये एक एग्जांपल क्लियर है क्या, जो ये एग्जांपल मैंने बताया ये क्लियर है क्या बच्चों, इससे पहले वाला कहां गया वो एग्जांपल, ये एग्जांपल क्लियर हो जाना चाहिए। यहां एरर क्यों आई, वहां एरर क्यों नहीं आई। हाँ जी, आज की क्लास में खत्म कर रहा हूं, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, मेरी तरफ से खत्म है। डेटा टाइप चल रहा है, दो तीन दिन लगेंगे। इसके अंदर एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। फिर अपन लेंगे ऑपरेटर्स, फिर लेंगे अपन कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह वगैरह जो भी होंगे वो सब लेंगे। हाँ जी बताइए, कोई डाउट हो तो बोलिए। कोई क्वेश्चन है? क्या हुआ, कम समझ में आया क्या? ले रहे बच्चों, कमेंट नहीं आए, कमेंट कर दिए तुम लोगों ने। क्लियर है? ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक्स, कल मिलते हैं 9 बजे। ठीक।